अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप अपने काम में बिजी होंगे, आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने रूफ टूप गार्डन पर आप सबको स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए बाहर वीडियो नहीं बना पा रहा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बता रहा था दो तीन दिन से हमारे बहुत बारिश हो रही थी, कल रुकी थी, तो मैं आपके लिए बाहर से वीडियो बना के लिए आया था अपने गार्डन में से। मगर आज दोबारा से वही कंडीशन हो गई है, दोबारा से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रही है फ्रेंड्स। तो मैं सोचा जो मेरा अंदर रखा है प्लांट्स उसको पर मैं आज वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैं जब नर्सरी से लाया तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो आपके साथ डाली नहीं थी फ्रेंड्स। ये मेरा चांदनी का प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर नहीं पाया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं। इस मारे थोड़ी दिन बाद उसको रिपोर्ट करूँगा तो आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगा, और फिलहाल तो मैंने इस प्लांट को अंदर रख रखा है। मेरी लाइट चलाना पड़ रही है वीडियो बनाने के लिए इस टाइम फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी अभी बिल्कुल बारिश आई जाएगी इस मारे फ्रेंड्स। तो ये जो ये प्लांट है इसकी ग्रोथ मतलब बिल्कुल ईजी टू ग्रो प्लांट है, काफ़ी आसानी से ये प्लांट चल जाता है हमारा फ्रेंड्स, ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ती इस प्लांट के साथ। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्सचर अच्छी बनाइए। सॉइल मिक्सचर आप ऐसा बना सकते हैं फ्रेंड्स इसकी, कि आप वही 50% खाद लें, खाद नहीं सॉरी फ्रेंड्स नॉर्मल सॉइल लें 50%, 30% खाद ले लें, 20% सैंड मिला के और फंगीसाइड वगैरह पाउडर मिला के आप इन सब को मिला के बहुत अच्छी इसकी सॉइल बनाइए, उसके अंदर इस प्लांट को लगाइए, तो आपका प्लांट कभी मरेगा नहीं ये वाला फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और एक में मेरी दो प्लांट हैं शायद, एक तो डैडी हो गया, ये लगा शायद मैं दो को अलग कर लूँगा, क्योंकि बाहर रखना पड़ेगा मुझे प्लांट को, नहीं तो मेरा मर जाएगा उसके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अंदर है वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही इस मारे इस प्लांट को, मैं बाहर ही रख दूँगा इस प्लांट को। और फ्रेंड्स ये मेरा इजी बहुत इजी टू ग्रो, देखिए इसकी मिट्टी सूखी भी नहीं है, ऐसे आया है प्लांट क्योंकि मैंने अंदर रखा है, वहाँ बहुत शेडी एरिया है हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। मगर आप भारी रखिएगा इस प्लांट को। अब क्या करूँगा मैं इसकी, जैसे हमने अब मिट्टी बना ली, अब इसका गमले का साइज़ आप ले सकते हैं 12 इंच तक का गमले में आराम से चल जाएगा, 12 इंच या 8 इंच के गमले में आपका प्लांट अच्छी तरह चलेगा, मगर इससे छोटा गमला मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी फैलती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारे गमले की बात, अब इसको जब आप लगाएं तो इस प्लांट को बिल्कुल सेंटर में लगाइएगा, इधर उधर मत लगाइएगा, क्योंकि सही नहीं रहता, जो सेंटर में लगता है प्लांट अच्छा भी लगता है देखने में, और उसकी जुड़े भी होती है पूरी गोल होती की चले आती है, पूरे पॉट को कवर करती हुई चली आती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो हो गई इसकी मतलब इसका हमने पॉट गमला लगा लिया, अब इसका हम फ्लावर कैसे पा सकते हैं। फ्लावर पाने के लिए आपको पत्तियों की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, ये डालेंगे तो आपके इस पर फ्लावर्स पे आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब गोबर खाद डालते रहेंगे तो खाली इस पर पत्ती पत्ते आएंगे, फ्लावर्स नहीं आएंगे। या बोन मिल्स डाल सकते हैं आप, और हर एक हफ्ते बाद इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहे करिए, फंगीसाइड नीम ऑयल, तो उससे क्या होगा हमारे जो एफिड्स वगैरह लग जाते हैं, मिली बग्स लग जाते हैं, उससे आपका प्लांट बचा रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इस टाइम बरसातों के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, इस बारे में आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब स्प्रे करते रहिए, जिस दिन बारिश नहीं हो उस दिन स्प्रे कर लिया, देख के मौसम की बारिश नहीं होने वाली का दिन था तो स्प्रे कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, नेट पे तो दिखाते ये कि कितने दिन तक बारिश होगी नहीं होगी, कभी कभी उन लोगों की बात भी आता है, उनकी बात सच निकली जाती है, वैसे तो फ्रेंड उस पर भी देख सकते हैं, वैसे तो अल्लाह ताला के ऊपर ही है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, तो लगता है अभी बारिश होनी हो जाए पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो इसका प्रूनिंग का टाइम है फ्रेंड्स, वो आप बरसातों में कर दीजिए इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो साइड ब्रांचेस और निकलेंगी, जिससे क्या होगा आपके प्लांट पर ज़्यादा बड्स आएंगे और आपको फ्लावर और ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जो इसकी फ्लावर होती है इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है, और ये चांदनी और इस प्लांट पर फ्लावर जो आती है फ्लावर की खुशबू काफ़ी ज़्यादा आती है फ्रेंड्स, ठीक है। चांदनी बेला सॉरी फ्रेंड, इतनी देर से मैं चांदनी कह रहा था इस प्लांट्स को, मगर चांदनी का प्लांट नहीं सॉरी बेला का फ्रेंड, बेला प्लांट का नाम है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ी मुझसे गलती हो गई, इस प्लांट का नाम मुझे शायद गलती वाले ने तो नहीं क्या बताया था, उस बारे में से थोड़ी मिस्टेक हो गई, बाई मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ, बेला ही है इस प्लांट का नाम, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको लोग अपने सिर में भी लगाते हैं, इसका गजरा बना के, क्योंकि इसके फ्लावर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, वाइट्स होते हैं इसके फ्लावर, आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, कटिंग से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, इजी टू ग्रो फ्रेंड्स, ठीक है। प्लांट्स बहुत अच्छे, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। बस ये छोटी छोटी बात आप ध्यान में रखते रहिए तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपको इस प्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इस प्लांट के कोई भी क्वेरी हो तो फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरी वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और
और आपके पास मेरे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल को दोबारा से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए, इससे आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आ सके फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरी वीडियो देखते रहिए रोज़ फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो देखेंगे तो जिनको पौधे लगाने का शौक नहीं होएगा वो भी पौधे लगाने का शौक कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और प्लांट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स। और थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखा देता हूँ आपको, कैसा हो रहा है मेरे यहाँ का, ठीक है फ्रेंड्स। अभी दिखाता हूँ मैं बाहर, अपना कैमरा लेके चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, मैं झूठ नहीं बोलता, जिससे आप लोगों को लग रहा हो शायद। देखिए प्लांट से प्लांट, देखिए अब भी मुझे लग रहा है दोबारा से बारिश आने वाली है। देखिए बारिश का धंधा शुरू हो गया, देखिए देखिए फ्रेंड्स बारिश दोबारा शुरू हो गई है हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जो आपके इंडोर्स प्लांट्स हों आप उनको साइड में रखिएगा, वैसे उनके अंदर ओवर वाटर का खतरा नहीं हो फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ अपने प्लांट्स की, सब खिल रहे हैं मेरे प्लांट्स, देखिए 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 थोड़ी झलक दिखा दी, क्योंकि अभी मेरे हाथ से मेरा कैमरा गिर जाता, काफ़ी नुकसान हो जाता फ्रेंड्स, तो मैंने जल्दी से कैच कर लिया अपने कैमरे को, जो मैं ट्राईपॉड है उसमें से कैमरा निकल जाता फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस यही छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा था अपने बेला प्लांट्स के ऊपर, जो मैं आपको डिटेल में पूरा बता चुका हूँ फ्रेंड्स। आप ऐसे ही केयर करिए, ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका प्लांट्स कभी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स, माय गॉड।